हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. माय नेम इज़ डॉक्टर रितु. आज हम बात करेंगे एक जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये एक बहुत ही कॉमन सफरिंग है जिसके लिए शायद यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस होंगे जो कि आप सर्च कर सकते हैं. सो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू मेक इट डिफरेंट. साथ ही साथ होम्योपैथिक एक्सपीरियंस मैंने इसमें अपना ऐड किया है. तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा. और होम्योपैथिक ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो कि डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त कर देंगी, बिल्कुल क्योर कर लेंगी आपकी इस डिजीज़ को. नाउ बिफोर गोइंग टू द कम्प्लीट टॉपिक ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमें पता होना ज़रूरी है कि जॉइंट जो है वो कैसे फॉर्म होता है. एक जॉइंट जो है उसका फॉर्मेशन होता है दो हड्डियों, उसके बीच जो स्पेस है उसमें कार्टिलेज जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, आसपास में सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस जॉइंट को, जो उस कार्टिलेज को अपनी जगह पर फिक्स करके रखते हैं, जो उन हड्डियों को प्रोटेक्टेड रखते हैं. नाउ कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कुशन की तरह काम करता है और ये दोनों जो बोन्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, रगड़ नहीं पड़े, दोनों आपस में जुड़े नहीं जब हम चल रहे हैं, इसलिए वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, दोनों हड्डियों को पास में आकर क्लैश नहीं करने देता. इसलिए ये कार्टिलेज जो है बहुत ही असेंशियल स्ट्रक्चर है हमारे जॉइंट का. ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज जो है वो अफेक्टेड होता है. और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जहाँ पर बोन का डीजेनरेशन होने लगता है, जहाँ कार्टिलेज का डीजेनरेशन होने लगता है. नाउ प्रोग्रेसिवली व्हाट हैपेंस बाय सर्टेन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है, सॉफ्ट होता जाता है, इरेग्युलर होकर वो बहुत रिड्यूस हो जाता है अपने साइज में, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट का जो एक इनफ स्पेस होना चाहिए वो भी काफ़ी कम हो जाता है. कार्टिलेज के पतले हो जाने से हमारी जो बोन है वो आपस में फ्रिक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से हमें पेन सेंसेशन फील होता है, हमारे जॉइंट के आसपास इन्फ्लामेशन हो जाती है और हमारे जॉइंट में कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है. वो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाने से साथ ही साथ कार्टिलेज के सॉफ्ट एंड इरेग्युलर हो जाने की वजह से हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म शो करती है, जिसमें हमारी बोन्स जो हैं ग्रो करने लगती हैं, तो छोटी छोटी जो है आउटग्रोथ से डेवलप हो जाते हैं एट द मार्जिन ऑफ द जॉइंट. अगर ये एक बोन है और ये एक बोन है, इफ़ यू फील, ये अगर आप इमेजिन करते हैं तो इस बोन के मार्जिन पर, आई विल प्लेस अ पिक्चर ओवर हियर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. एट द मार्जिन ऑफ द बोन छोटे छोटे जो एकदम नुकीले से ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं, उन ऑस्टियोफाइट्स को एक्सरे में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है और वो बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर्स पर चुभते हैं वहाँ बहुत सीवियर पेन कॉज करते हैं. वो बोनी स्पर जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा पेन फैक्टर है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन को बढ़ाने के लिए. और फ्रिक्शन होने की वजह से मोशन में, दैट मीन्स चलते वक्त, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है. ऐसे कौन कौन से जो कॉजेज हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करते हैं. पहली चीज़ तो मैं आपको ये बहुत ज़रूरी बता दूँ कि एजिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. 40 के एज के बाद जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है समान रूप में. लेकिन अब जो एरा चल रहा है, जिस तरह का लाइफस्टाइल है या जो भी कारण है एनवायरमेंटल, आजकल 40 की एज के पहले भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जा रहा है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक मिथ है कि जो घुटने हैं उनमें अगर हो रहा है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है. ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी और जॉइंट को अफेक्ट नहीं कर सकता. दिस इज अ वेरी लाइक कम्प्लीट फॉल्स थिंग जो आपके आपने अगर सुनी है तो, बिकॉज नी जॉइंट जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ नी जॉइंट को अफेक्ट करेगा, वो आपके हिप जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, वो आपके फिंगर जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है. एंड आई हैव पर्सनली सीन अ केस इन माई करियर जहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसको भी अफेक्ट किया है ऑस्टियोआर्थराइटिस ने. तो इट कैन अफेक्ट एनी जॉइंट, ऑल्दो ये कॉमनली जो है घुटने के जॉइंट को अफेक्ट करता है. कॉजेज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो है ट्रॉमा. रिपीटेडली चोट लगने पर, बार बार चोट लगने पर किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में, स्पेशली नीज पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजिंग. जैसे ही आपकी एज प्रोग्रेस करती जाती है तो हड्डियाँ घिसती जाती हैं और एज हो जाने की वजह से डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओवर यूज़ अगर किसी जॉइंट का हो रहा है, अगर कोई जॉइंट को आप बार बार ओवर यूज़ है, उसका बहुत ज़्यादा काम आप ले रहे हैं, तो उस जॉइंट में डीजेनरेशन प्रोग्रेसिवली देखने मिलता है.
देन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोनल फैक्टर्स, जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड है, इस तरह के डिजीजेस के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर बाकी जॉइंट डिसऑर्डर्स जो है वो कॉमनली देखे जाते हैं. इट हैज बीन सर्च्ड एंड प्रूव्ड. इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इनहेरिटेड डिसऑर्डर. बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस में इनहेरिटेंस का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी जो है रिसर्च वर्क से प्रूव किया गया है कि हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी अगर किसी की फैमिली में चल रहा है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है. तो इट कैन बी इनहेरिटेड ऑल्सो. अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस था तो होने के चांसेस अगेन है. फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ओबेसिटी. अगर वजन बहुत ज़्यादा है आपका, स्पेशली नी जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो हम हमेशा कहते हैं कि वजन का भार जो है घुटनों पर आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शरीर का बर्डन उस कार्टिलेज पर, उस जॉइंट पर आने की वजह से जो कार्टिलेज है वो थिन होता जाता है और उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है और वो डीजेनरेट करने लगता है. अगर हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की, दैट्स वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पेन आपको देखने मिलेगा. इनिशियली क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जब पेन के बारे में बात करते हैं तो दे ऑलवेज टेल कि शुरुआत में थोड़ा बहुत चलते थे या दूर तक जाते थे तो कभी दर्द महसूस होता था. ग्रेजुअली क्या नजदीक जाने पर भी दर्द होने लगा. बाद में तो अब एक ऐसा सिचुएशन भी डेवलप हो जाता है अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो, कि बैठे रहने पर भी उनको पेन फील होगा, बैठने पर भी, इवन रेस्ट में भी उनको जो है पेन डेवलप होता है. तो वो जो है वो ये शो करता है कि आपका जॉइंट ज़्यादा डीजनरेट हो गया है और जो पैथोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस कर गई है. देन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो है साइन एंड सिम्टम में सेकेंड सिम्टम जो कि टेंडरनेस. आपको वो छूने नहीं देगा. साइन है आपको पेशेंट अपने जॉइंट को हाथ नहीं लगाने देगा. कई बार जो है पेशेंट टच करने को भी मना कर देते हैं, कई बार वो अलाउ करते हैं आपको. इससे आप उनकी टेंडरनेस एलिसिट कर सकते हैं कि वो आपके जॉइंट को हाथ लगाने दे रहे हैं या नहीं लगाने दे रहे. अगर नहीं लगाने दे रहे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी सोरनेस, उनकी पेन की टेंडेंसी, सिवियरिटी, ये सब चीज़ें भी मार्क करें और उनको भी होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलेक्शन के टाइम पे आप कंसिडर करें. वेरी इंपॉर्टेंट द थर्ड पॉइंट इज आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है जॉइंट की, जितना पहले आप मोड़ पाते थे अपने जॉइंट्स को, नी जॉइंट को या फिंगर जॉइंट को या फिर आप हिप जॉइंट को, जितना आप अपना अच्छे से मूवमेंट हो पाती थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती जाती है. उतना आप मूव नहीं कर पाते हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट में नहीं रहती. अगर जो है हम उनके जॉइंट को मूव करा के देखते हैं तो वो उतना पहले की तरह ना उसको खोल पाते हैं जॉइंट को, ना फिर पूरा मोड़ पाते हैं. This is very important when you are considering any homeopathic medicine for the selection of this particular case. Bony spur जो होते हैं, जो मैं आपको बता रही थी, वो X-rays में diagnose होते हैं, लेकिन कई बार अगर patient जो है बहुत lean thin है, बहुत muscular नहीं है, मांसपेशियाँ भी बहुत पतली हैं, थोड़ा पतला है, तो ऐसे लोगों के अगर आप घुटने को या particular joint को अगर आप touch करके देखते हैं तो आपको वो bony outgrowth कई बार जो है फील होते हैं, वो बोनी आउटग्रोथ फील होते हैं, तो वो भी साइन एंड सिम्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. होम्योपैथिक जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए व्हाइल वी आर सेलेक्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन कि हम उनकी मोडालिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें. जैसे कि उनकी कंडीशन वर्स कब होती है, उनकी कंडीशन वर्स कब होती है, उनकी कंडीशन बेटर कब होती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हाई? बिकॉज ये सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा. ये एक साइन एंड सिम्टम भी है, क्योंकि जब भी रेनी वेदर होता है, जब भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम कहेंगे बरसात का मौसम होता है, एंड जब भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट आपके एनवायरनमेंट में बढ़ता है तो नीज़ या फिर जो भी जॉइंट डिसऑर्डर है वो काफ़ी वर्स हो जाते हैं. अगर इसके डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन देखकर भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अगर आप एक्सरे कंडक्ट कराते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियर आपको पता चल जाएगा कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है. अब चलिए क्विकली हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत बहुत असेंशियल है, एंड दैट इज बेसिकली द प्रायोरिटी ऑफ दिस वीडियो. अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपसे बताने वाली हूँ वो मैं मेरी प्रैक्टिस में उस तरीके से देती हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़, ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन आप उनकी मोडालिटीज के बेसिस पर कर सकते हैं, तो प्लीज इसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा. इफ यू कैन नोट इट डाउन समवेयर, या आप नोट भी कर सकते हैं. फर्स्ट मेडिसिन जो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है, या फिर जहाँ भी मुझे पता चलता है कि रिपीटेड ट्रॉमा का कॉज है, जहाँ बहुत ज़्यादा चोट किसी को लगी है और उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये जॉइंट जो है इतना डीजनरेट हो गया है, तो उस जगह पर आर्निका मोंटाना इज अ मेडिसिन जो देनी बनती ही है. आर्निका मोंटाना मेडिसिन जो है
उसमें जॉइंट पे रिपीटेड ट्रॉमा या बॉडी में कहीं भी रिपीटेड ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है तो आर्निका हम बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। एक पर्टिकुलर जॉइंट पर अगर रिपीटेड ट्रॉमाज रहे हैं, बहुत चोटें लगी हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करेगी। सेकेंड चीज़, वो पेशेंट जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा आपके जॉइंट को टच करने के लिए। कई बार जो है दे अलाउ यू, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो वो थोड़ा सा पेन बेयर करके आपको अलाउ कर देंगे, बट उससे ये चीज़ आपको देखनी है कि वो आपको फर्स्ट टाइम पे अपने जॉइंट को टच करने को मना कर रहे थे। तो कभी भी वो किसी को भी अपने जॉइंट के, पेनफुल जॉइंट के नज़दीक नहीं आने देते। दैट्स अ वेरी इंडिकेटिव साइन ऑफ आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना देने का तरीका, आर्निका मोंटाना ऐसे एक्यूट केसेस में 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 200 CH पोटेंसी जो है उसको आप दिन में दो बार दे सकते हैं, सुबह और शाम, एंड प्रोग्रेसिवली जैसे लगे कि बेटर लग रहा है तो आप उसको दिन में एक बार भी कर सकते हैं। सिर्फ दो ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे लेने हैं। आर्निका मोंटाना के बाद हम बात करते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेडिसिन दी जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, वो है ब्रायोनिया आल्बा। ब्रायोनिया आल्बा के कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि जो जॉइंट अगर आपका स्टिफ हो गया है, अकड़ गया है, वो जॉइंट आपका हॉट है, टच करें तो गर्म है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वहाँ पर स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, ब्रायोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटिव मेडिसिन फॉर स्वेलिंग्स। तो जिस जॉइंट के आसपास स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट आपका बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, मूव नहीं कर रहा है, और टच करने पर वो टेंडर है, वो हॉट है, तो ब्रायोनिया आल्बा आप सोच सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट द वर्स एंड द बेटर पॉइंट्स, किन किन चीज़ों से ब्रायोनिया वर्स होती है। बहुत बार पेशेंट्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि जब तक मैं बैठी होती हूँ या जब तक मैं कुछ भी अपने घुटने से या अपने जॉइंट को मूव नहीं कर रही होती हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक फील होता है। दैट मीन्स शी फील्स बेटर बाय रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट पे आराम लगता है, और ज़रा सा भी अगर उन्होंने मूव किया, जॉइंट पे हल्का सा भी मूवमेंट आया तो उनको दर्द फील होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोनिया में चीज़ें जो है वर्स हो जाती हैं मोशन से, ब्रायोनिया में चीज़ें जो है मोशन से वर्स हो जाती हैं। और कई बार पेशेंट जो है आपको बताएंगे कि हम ज़रूर पूछते हैं कि वॉर्म एप्लीकेशन करते हैं या आप ठंडी सिकाई करते हैं, किसी चीज़ से आराम आता है, या घुटने पे कोई ठंडा पानी या गर्म पानी आप डालते हैं तो किसी चीज़ से आपको बेटर फील होता है। तो पेशेंट हमें हमेशा कहता है कि अगर मैं गर्म सिकाई करती हूँ घुटनों को या जॉइंट को, तो गर्म सिकाई से मेरी जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाती है, गर्म सिकाई बिल्कुल सूट नहीं करती। तो किसी भी तरह का वॉर्म्थ जो है ब्रायोनिया को कभी सूट नहीं करता, चाहे वो रेस्ट पर उसको आराम मिल रहा हो, लेकिन उनके जॉइंट को ठंडी चीज़ों से, आइस पैक से आराम मिलता है, आइसिंग एप्लीकेशन से आराम मिलता है, उनको रेस्ट पर आराम मिलता है। नाउ अगेन वेरी इंडिकेटिव सिम्टम, जो जो पेशेंट्स आपको टच करने को मना कर रहे हैं जॉइंट को, लेकिन उनको दबाने पर आराम मिलता है, दैट्स वेरी वेल इंडिकेटेड ऑफ ब्रायोनिया। क्योंकि ब्रायोनिया पेशेंट आपको टच नहीं करने देगा, लेकिन जब वो अपने जॉइंट को प्रेशर से दबवाते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। तो ब्रायोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जिसको अगेन देने का तरीका है 200 CH पोटेंसी में, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन है, बहुत अनबेरेबल है, तो 30 CH पोटेंसी में रिपीटेडली दे सकते हैं, लेकिन 200 CH पोटेंसी अगर आप दिन में एक बार दे रहे हैं तो कुछ दिनों के अंदर वो स्वेलिंग भी चली जाएगी और पेन की इंटेंसिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज रशटॉक्स। रशटॉक्सिकोडेंड्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, अगेन जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए। इसमें भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के सारे इंडिकेटिव सिम्टम्स होते हैं जॉइंट रिलेटेड, लेकिन सारी जो मोडालिटीज़ हैं, वर्स एंड बेटर पॉइंट्स जो है वो सारे उल्टे हैं। दैट मीन्स ये बिल्कुल अलग है और ऑपोजिट है ब्रायोनिया के। इन द सेंस, जिन भी लोगों को ह्यूमिडिटी से बरसात के मौसम में अपने जो है घुटनों में या फिर जॉइंट डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ जाते हैं, वो रशटॉक्स ले सकते हैं। रशटॉक्स जो है वो हमेशा पेशेंट कहेगा कि जैसे मैं चलना शुरू करती हूँ या करता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली जब मैं मूव करने लगता हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। दिस इज़ ऑलवेज सीन इन वेमेन जो कि बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मॉर्निंग में जब सुबह उठती हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, उनके जॉइंट में बहुत पेन होता है, लेकिन जब वो दो तीन घंटे या आधे घंटे के बाद काम करने लगती हैं तो उनका जॉइंट फिर भी एक तरीके से फ्री हो जाता है और उतना पेन नहीं करता। रशटॉक्स ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करती है। जिन भी लोगों को नाइट की तरफ, जब इवनिंग की हो रही है, शाम की तरफ टाइम जाता जा रहा है, नाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस इनिशियल पार्ट ऑफ नाइट में जिनको दर्द होता है, पेन ज़्यादा वर्स होते हैं, वो रशटॉक्स ले सकते हैं। रशटॉक्स एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन इसमें रशटॉक्स में आप कहें तो इसको वॉर्म से बहुत आराम मिलता है।
गरम सिकाई से, नी कैप पहनते हैं जो लोग जिनको आराम मिल रहा है, तो नी कैप पहनने से अगर किसी को आराम मिल रहा है तो वॉर्म एप्लीकेशन से, बिल्कुल ऑपोजिट है ब्रायोनिया का, वॉर्म एप्लीकेशन से इनको अच्छा लगता है। वॉर्म एप्लीकेशन से अच्छा लगता है तो आप रशटॉक्स देंगे, कोल्ड एप्लीकेशन से अगर अच्छा लगता है तो आप ब्रायोनिया देंगे, लेकिन मार्क माय वर्ड्स की बाकी सारी चीज़ें भी आपको कंसिडरेशन में लेनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि मैं हमेशा अपने केस को अगर प्रोसीड करती हूँ, बिगिन करती हूँ या फिर या जब भी मुझे लगता है कि डीजनरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और जब जॉइंट पे हाथ लगाकर मैं चेक करती हूँ और बहुत ज़्यादा ग्रेटिंग सेंसेशन होती है, एक्सरे रिपोर्ट्स में छोटे 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 वो ऑस्टियोफाइट्स जो है बोन्स पर काफ़ी सारे बन गए हैं, ऐसे कंडीशन में ऑरम मेटालिकम देनी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा पेशेंट अगर नाइट में वर्स हो रहा है, रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जब भी बहुत ज़्यादा डीजनरेशन हो जाता है तो नाइट में वर्स हो जाता है, नाइट में पेन वर्स हो रहा है और इस तरह की बोनी आउटग्रोथ्स हैं, तो उनको डिसॉल्व जो है वो ऑरम मेटालिकम कर सकती है। गोल्ड क्योंकि एक बहुत पावरफुल सॉल्वेंट माना जाता है, तो ऑरम मेटालिकम हाई पोटेंसी में, 1 mg पोटेंसी में सिर्फ एक दिन एक डोज सुबह खाली पेट दे देने से बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन उसको इस डोज को देकर कम से कम वेट करना होता है, आप वेट करें। बाकी जो मेडिसिन अगर आप इन एडिशन चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, लेकिन जो है आप ऑरम मेटालिकम 1 mg पोटेंसी में सिंगल डोज जरूर दें अगर ऑस्टियोफाइट्स बन चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। सिफिलिटिक आर्थराइटिस के केसेस, सिफिलिटिक आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ डीजनरेशन हो गया सिफिलिस मायजम में, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो मायजम पर नहीं देखी तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। नाइट के एग्रवेशन होते हैं और डीजनरेशन अल्सरेशन होने लगते हैं, इसमें 3 जो है मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पहली मेडिसिन जो है वो है ऑरम मेटालिकम, सेकेंड मेडिसिन जो है वो है फाइटोलाका डिकैंड्रा, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैल्केरिया फ्लो, जिसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ। एक मेडिसिन है जो कई बार एडिशनली चलाई जाती है किसी एक मेडिसिन के साथ, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए जॉइंट के टिश्यूज़ को, पेरियोस्टियम को, कनेक्टिव टिश्यूज़ को, इन पे बहुत अच्छा काम करती है, वो मेडिसिन है रूटा ग्रैविओलेंस। रूटा ग्रैविओलेंस जो है पेरियोस्टियम पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथ देती है, तो कई बार 30 पोटेंसी में इसको दिन में 3 बार एडिशनली देने से काफ़ी रिलीफ मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को, विच आई हैव पर्सनली सीन इन माई एक्सपीरियंस, तो ये दी जा सकती है, इट वंडरफुली वर्क्स। नाउ ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर थोड़ी मोडालिटीज़ जो है ब्रायोनिया वाली हैं, कुछ कुछ चीज़ें रशटॉक्स वाली हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? येस, वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन होम्योपैथी विच इज़ फाइटोलाका डिकैंड्रा, अगेन सिफिलिटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस या सिफिलिटिक आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट, नाइट एग्रवेशंस और नाइट में वर्स हो रही है चीज़ें, तो इस तरह की कंडीशंस जब हैं, जब आपको थोड़े ब्रायोनिया वाले, थोड़े आपको रशटॉक्स वाले सिम्टम मिल रहे हैं, तो फाइटोलाका बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोलाका जो मेडिसिन है उसमें आपको अगर पेशेंट कह रहा है कि उनको रेस्ट पे बेटर लगता है और गर्म सिकाई से अच्छा लगता है, दैट मीन्स जब वो रेस्ट पर होती है बिल्कुल अपने घुटने को, अपने जॉइंट को ना हिलाएं और गर्म सिकाई करती रहें, नी कैप पहन के रखें, ये दोनों सिम्टम साथ में मिल रहे हैं, और जब भी बारिश होती है तो दिक्कत होती है, जब भी वो चलती हैं तो दिक्कत होती है, उठ के ज़रा सा भी मूव करती हैं तो दिक्कत होती है। फाइटोलाका डिकैंड्रा इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। नाउ आई मस्ट टेल यू हियर कि ये जो मेडिसिन है ये मैं अपनी प्रैक्टिस में ब्रायोना रशटॉक से भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी मोडालिटी सबसे ज़्यादा कॉमनली मिल जाती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज किल्केरिया फ्लोर, जिसको हम लोअर पोटेंसी में देते हैं जस्ट टू गिव यू अ सप्लीमेंट काइंड ऑफ। जो भी लोग कैल्शियम ले रहे हैं होम्योपैथी का, तो आई हैड मेड वन वीडियो ऑन कैल्शियम डेफिशिएंसी, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उनमें ऑलरेडी किल्केरिया फ्लोर डला होता है 6x में, तो हम लो पोटेंसी में तब नहीं देते हैं अगर हम वो दे रहे हैं तो, बट अगर हमें मिलता है कि डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस पैथोलॉजी नहीं हुई है, आप लोअर पोटेंसीज दे सकते हैं अगर आपको ये सिचुएशन लगती है, तो किल्केरिया फ्लोर आप 6x में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है जो पैथोलॉजी है एडवांस हो गई है, आप उसको मेडिसिनल क्वांटिटी में नहीं देना चाहते, तो आप उसको हाई पोटेंसी में भी दे सकते हैं। आप किल्केरिया फ्लोर 200 CH पोटेंसी में दिन में 1 बार दे सकते हैं, वो बहुत वंडरफुली काम करते हैं। नाउ विद दिस आई जस्ट फिनिश माई वीडियो ओवर हियर।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँ वो भी आप ज़रूर देख पाए। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए वीडियो और आपको कितना अच्छा लगा इस वीडियो को देखकर। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।